पिछली दो वीडियो में काफी सारी कमेंट्स आई थी सिटी स्काईलाइंस खेलने के लिए, और सिटी स्काईलाइन गेम मैंने एक साल पहले शुरू किया था, और ये जो सिटी है ये मैंने एक साल पहले बनानी शुरू की थी, और उसके बाद जो है पिछले 7-8 महीने से मैंने इस वाले गेम की कोई वीडियो नहीं डाली है। बट ये सिटी अपनी जो है ऐसी की ऐसी है, मतलब मैंने इसमें कुछ भी नया ऐड नहीं किया है। और इस गेम को आज मैं 6-7 महीने बाद शायद खेल रहा हूँ, बीच में मैंने एक बार खेला था, और अभी जो है इस सिटी का मुझे सारा का मैप याद है, क्योंकि ये सिटी जो है मैंने बहुत ध्यान से डिज़ाइन की थी, और इस सिटी को मैंने काफ़ी बड़ा बनाने के लिए स्टार्ट किया था, बट इसका काम बीच में रुक गया। और ये अभी इतनी छोटी भी नहीं है, अभी भी जो है काफ़ी बड़ी है। ये सारा रेजिडेंशियल जोन है यहाँ पे, और इधर की साइड भी रेजिडेंशियल जोन है, ये हाई राइज टावर्स है, और रिवर के उस साइड है अपना जो है कमर्शियल जोन, ये यहाँ पे सारी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, और यहाँ पे भी जो है काफ़ी अच्छी खासी भीड़ रहती है, और काफ़ी सारी फैक्ट्रीज यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। और अब जो है इस सिटी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। वैसे मैंने जो है एक यहाँ पे हाइड्रो पावर के लिए डैम भी लगाया था, बट ये स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसके पता नहीं डिज़ाइन में कुछ गड़बड़ है या फिर ये मैंने गलत लगा दिया है। अभी पानी शायद इस लेवल तक नहीं आ रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके, अभी तो ये कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो इसको भी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं आज, और बाकी देखते हैं अपनी सिटी की जो है डिमांड्स वगैरह क्या क्या हैं। तो अभी फ़िलहाल अपनी सिटी की पॉपुलेशन है 34,500, और अभी सिटी में जो है पाइपलाइन प्रॉब्लम आ रही है। पाइपलाइन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, ये पाइपलाइंस यहाँ पे तो सारे में है, इधर तो पानी ट्रेवल हो रहा है, इधर भी है, किधर की साइड आ रही है पाइपलाइन की प्रॉब्लम यहाँ पे देख लेता हूँ। ये भी सारे कनेक्टेड ही हैं, तो अभी तो मुझे यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रही प्रॉब्लम पाइपलाइन की, इधर तक भी जो है पानी आ ही रहा है। बाकी यहाँ पे रोड की डिज़ाइन में थोड़ी गड़बड़ है, इधर जो है ट्रैफिक स्लो हो रहा है, इसको मुझे सही करना पड़ेगा। यहाँ पर एक मैं ब्रिज बना देता हूँ, यहाँ पर ब्रिज ठीक रहेगा, तो एक ब्रिज यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। और इधर है ये वाला हाईवे, तो इधर से एक ब्रिज लेके जाता हूँ। पहले इस वाले रोड को थोड़ा सा मुझे जो है हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो अभी यहाँ पे जो है ये वाला हाईवे कनेक्ट करना है, और इसको मुझे थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, इधर थोड़ी सी और हाइट इंक्रीज करते हैं इसकी, अभी ज़्यादा हाइट हो गई, थोड़ा कम करके। और ये बीच में ये वाली फैक्ट्री आ रही है, इसे ही मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ से, इसे इधर कहीं लगा देता हूँ, यहाँ पर रास्ता खाली हो गया। इसको इधर से उतार दिया, और ये ब्रिज कुछ ज़्यादा ही ऊंचा हो गया, बट चली जाएंगी गाड़ियाँ यहाँ से, ये एकदम सीधा ऊंचाई पे गया है और फिर नीचे आ रहा है, पर अभी ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे। तो इस रोड को मैं इससे यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, अब ये यहाँ से जा सकते हैं, जिसको इस रोड पर जाना है वो इधर से आके यहाँ से यू टर्न ले लेगा। कोई गाड़ी यूटर्न ले भी रही है, देख तो लूँ मैं, हाँ ये ले तो रही है। ये ब्रिज कुछ ज़्यादा ही बेकार लग रहा है, इसको अभी थोड़ी देर में ठीक कर दूंगा। अभी फिलहाल जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही हैं अपनी सिटी के अंदर, उन्हें रिजॉल्व कर दूँ। यहाँ पे पावर लाइन टूट चुकी है, पावर लाइन में जोड़नी पड़ेगी, तो इसके लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ये पावर लाइन कनेक्ट कर देनी आपस में। और शायद अभी इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज भी चल रही है, एक बार देख लूँ मैं, शॉर्टेज तो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है प्रोडक्शन से काफ़ी कम है, और बाकी देख लूँ अभी कुछ ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ना पहुँच रही हो, वैसे सब जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुँच रही है। ये इधर कुछ आ रहा है गार्बेज वगैरह का, और बाकी ये वाला डैम को भी देख लूँ, ये वाला डैम अगर मैं स्टार्ट कर सकूँ तो, अभी तो ये मुझे लग नहीं रहा कि स्टार्ट होगा, नॉट ऑपरेटिंग आ रहा है अभी जो है, इसमें पानी का लेवल कम है, तो इसको क्या करता हूँ, इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, ये हटा दिया, और यहाँ से अब काफ़ी सारा पानी जो है इधर की साइड जाएगा, ये रुका हुआ था पानी इधर, ये पानी अभी रुका हुआ ही है, अभी धीरे धीरे जा रहा है नीचे। डैम मैं शायद यहाँ पे कहीं पे लगाऊँ तो इधर सही चल जाएगा, यहाँ थोड़ा पानी ज़्यादा आएगा, इधर कहीं लगा के देखता हूँ डैम को। तो इधर का पानी का लेवल सही हो जाएगा शायद, तो यहाँ पे तो पानी मेरे को ठीक लग रहा है, पानी खट्टा हो रहा है, अभी पता भी चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी बना भी रहा है या नहीं बना रहा। तो वैसे मुझे लग रहा है मैंने शायद ये उल्टा लगा दिया, ये इस साइड को ऐसे लगना था, पर देखते हैं अभी चल जाएगा तो ठीक है। ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बारिश का पानी आ तो रहा है, बारिश भी सही टाइम पर हुई है, अपना डैम भी टेस्ट हो जाएगा, और मेरे को लग रहा है पानी जो है डैम के ऊपर से ही चला जाएगा, हाँ ऊपर से जाने लग गया पानी, ये डैम तो डूब ही गया, और ये मैंने गलत ही लगाया वैसे ना,
इसको यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अभी सही लगा है। और इधर पानी भी आ ही रहा है, और शायद मेरे को इसको जो है पावर लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा पहले। इधर तो ये कनेक्टेड ही है पावर लाइन से। हाँ यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया तो सही है, ये पावर आउटपुट भी इसने स्टार्ट कर दिया है। 32 मेगावाट अभी पावर जनरेट कर रहा है। और ये ऐसे ही लगाना था, पहले मैंने गर्त लगाया था, तो इधर से ये पानी को रोकेगा और यहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। बाकी इस डैम को मैं ब्रिज की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे एक ऊपर रोड तो है ही, तो इस वाले रोड को इससे कनेक्ट कर देता हूँ। और इधर से भी जो है इसे कनेक्ट करके ले आता हूँ। ये डैम के ऊपर से भी रास्ता हो गया, तो इधर से एक गाड़ी डैम के ऊपर से जा भी रही है। बाकी अभी जो है बारिश भी रुकी है और दिन भी निकल आया है। और यहाँ पे क्या हुआ है, ये इधर कुछ इशू हो रहा है, यहाँ पे अपने सिटीजन्स फिर से बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे डेड पर्सन हैं, इन्हें जो है हटाना पड़ेगा। और इधर ये पानी भी गंदा हो रहा है, पानी भी जो है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है। ये तो ये पानी तो जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की वजह से गंदा हो रहा है, और पानी जो है यहाँ तक गंदा है। इधर जो है अपने वाटर पम्प्स लगे हुए हैं जो पानी को सिटी में भेज रहे हैं, तो ये तो जो है साफ़ पानी पिक कर रहे हैं। बाकी एक इसका लग रहा है मेरे को, शायद इसमें थोड़ा सा गंदा पानी आ रहा है, तो इसको यहाँ पे ले आता हूँ। और इन वालों को जो है थोड़ा सा मूव करता हूँ मैं यहाँ से, इस वाले को हटा के थोड़ा इधर की साइड लगा देता हूँ। इधर जगह ही नहीं है अभी मूव करने की, इधर की साइड ये भी तो अपना एरिया है, इधर मूव कर सकता हूँ, यहाँ पे मूव कर देता हूँ, इन सबको ही मूव कर देता हूँ यहाँ से। और अभी जो है इन्हें सीवेज लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा। बाकी अभी देखते हैं वाटर पंपिंग कैपेसिटी कितनी है अपने यहाँ पे और ज़रूरत कितनी की है। अभी वाटर पंपिंग कैपेसिटी कम पड़ गई है, और 420,000 मीटर क्यूब की कैपेसिटी है, और डिमांड जो है उससे कहीं ज़्यादा है। तो वाटर पंप्स ये वाले ठीक है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कम पड़ रही है, और इलेक्ट्रिसिटी कम पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे अपने इलेक्ट्रिसिटी के खम्भे जो है पहुँच नहीं रहे इधर तक। अब तो पहुँच गए, अब तो इलेक्ट्रिसिटी आ जानी चाहिए। हाँ आ गई, तो वाटर पम्पिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी अभी। हाँ बढ़ गई, ठीक है। छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो सिटी में आती रहती हैं और दूर करनी पड़ती हैं। इधर की जो है वाटर डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, अब अपने पंप सही से काम कर रहे हैं, तो ये इधर का जो है डिमांड वाला आइकन भी हट गया है, मतलब यहाँ पानी प्रॉपरली पहुँच रहा है। बाकी ये एक बीच में छोटा सा आइलैंड टाइप का सा है, इस पर मैं काफ़ी सही जो है बड़े बड़े घर बनाने वाला हूँ, गिने चुने घर रहेंगे, मतलब सही से डिज़ाइन करेंगे। अभी ये मैंने परचेज़ नहीं किया है, अभी इतना एरिया मेरे पास है। अभी कुछ टाइम बाद जब ये गेम में अनलॉक हो जाएगा तो मैं इस वाले आइलैंड को परचेज़ करूँगा सबसे पहले। बाकी अभी थोड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बसा लेते हैं यहाँ पे, इधर भी जो है काफ़ी कम घर है, यहाँ पे बस थोड़े बहुत घर ही बसे हैं, जगह तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इधर ही मैंने मार्किंग तो कर रखी है, कुछ यहाँ पे लो डेंसिटी कमर्शियल जोन ही बना देता हूँ, ताकि इधर जो है थोड़ी शॉप्स वगैरह खुले। इधर तो मैंने जो है शॉप्स लगा दी, और बाकी इधर की साइड एक इश्यू और भी है कि यहाँ पर अपना काफ़ी बड़ा जो है कूड़ा इकट्ठा करने के लिए डंपिंग ग्राउंड बना रखे हैं, और यहाँ पे जो है गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट्स भी हैं जिनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब मुझे नहीं लगता कि इधर की साइड कोई आके अपना घर बनाएगा और रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सामने इतना सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, बट कुछ लोगों ने यहाँ घर बना लिए हैं। इधर तो मेरे को लगता नहीं है ज़्यादा दिन तक टिक पाएंगे। बाकी इससे आगे इधर की साइड तो ठीक है, यहाँ पर तो जो है साइड में ये छोटी सी रिवर भी है, और ये आइलैंड वाला इलाका भी है, तो इधर तो सही है, बट ये इधर की साइड थोड़ा सा इशू है। तो इसके लिए भी बाद में कोई जगह ढूंढूंगा, जब बाद में साइड वाली जगह लोग हो जाएंगी तो किसी एक कॉर्नर में पूरा जो है गार्बेज डंपिंग का बना दूंगा। और अभी वैसे सिटी तो नॉर्मली ही चल रही है, अभी सिटीजन 37,000 हो गए हैं, सिटी भी प्रॉफिट में है, 1,70,000 यूरो है, और डिमांड भी सही आ रही है, और अपने इंडस्ट्रीज वाले एरिया में डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल वाले एरियाज़ में। इधर भी पावर का इशू आ रहा है, पावर पहुँची नहीं है प्रॉपर, तो इधर भी मुझे ये पोल्स लगाने पड़ेंगे। आ गई इधर भी पावर, बाकी इधर काफ़ी सारे लोह भाव का काम तमाम हो चुका है, तो इनके लिए मुझे क्रेमेटोरियम चाहिए होगा, वो मैं कहीं साइड में लगाता हूँ, ये वाला एरिया खाली है, या फिर इधर लगा देता हूँ।
तो इधर तक तो इसकी कवरेज हो जाएगी। एक और लगाना पड़ेगा किसी साइड, एक और मैं यहाँ पे कहीं पे इधर लगा देता हूँ, बाकी एक इस कॉर्नर में यहाँ पे भी लगा देता है। बाकी इधर ट्रैफिक तो ठीक चल रहा है, ट्रैफिक की तो मूवमेंट पे कोई इतना असर नहीं हुआ है। इधर थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा लग रहा है मेरे को, यहाँ पे ट्रैफिक इधर आके मुड़ रहा है और इधर से ट्रैफिक भी आ रहा है, तो इस वाले ट्रैफिक को स्लो होना पड़ रहा है। अब इस वाले ट्रैफिक के लिए मैं यहाँ से एक ब्रिज और बना दूँ तो ये सीधा यहाँ पर जाके मिल जाएगा, तो इसके लिए भी यही करता हूँ। यहाँ से ये इसमें जाके मिला दिया, यहाँ से मैंने एक और ब्रिज बना दिया, तो अब इसको बीच में से यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो ये सारे बेवकूफ़ है यहीं से जाते रहेंगे। अब ये इधर से चले जाएंगे। अब यहाँ पे अपने जो है इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं वो टूट चुके हैं, तो वो मुझे फिर से लगाने पड़ेंगे। तो इधर एक पोल यहाँ तक लाना पड़ेगा और इधर वाले पोल्स भी जो है ये हट चुके हैं, कनेक्शन भी हो गया और ट्रैफिक इधर से आने लग गया। अब ट्रैफिक सही आ रहा है इधर से, यहाँ से तेज़ तेज़ आ रहा है और अब देखने में भी सही लग रहा है। बाकी ये वाला एरिया जो है खाली पड़ा हुआ है, इस वाले एरिया में तो मैं सारे सारे पावर जनरेशन के लिए लगाने वाला हूँ। जैसे अपना यहाँ पे सोलर पावर प्लांट है, इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है अभी 160 मेगावाट कर रहा है, तो काफ़ी सही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। जबकि अभी बारिश भी हो रही है फिर भी अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। और ये है अपना ऑयल पावर प्लांट, ये 131 मेगावाट जनरेट कर रहा है, और ये अपना डैम कितना जनरेट कर रहा है ये भी देख लूँ, डैम कर रहा है 80 मेगावाट, तो काफ़ी अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। बाकी मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ज़्यादा जनरेट हो रही है डिमांड के हिसाब से, तो इसका बजट थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी का बजट अभी जो है इसको 90% कर देता हूँ यहाँ पर। अब ठीक है, अब प्रोडक्शन थोड़ी सी ही ज़्यादा हो रही है कंजप्शन से, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखनी भी पड़ेगी क्योंकि सडनली अपनी सिटी की जो है पावर डिमांड कई बार बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे प्रोडक्शन कम ना पड़ जाए। कि एक ये कैसे डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ पे, इसका ये अपना वाटर पंप का एक पाइप डिस्कनेक्ट हो चुका है, इसमें पाइप लगाना पड़ेगा, पाइप इसका यहीं से लग जाएगा, ये भी हो गया कनेक्ट। बाकी अपनी सिटी अभी जो है प्रॉफिटेबल है, मतलब कम प्रॉफिट आ रहा है बट आ रहा है, अभी भी वीकली जो है इनकम 12,000 यूरो से ज़्यादा की है। तो अभी मैं ज़्यादा पंगे लेना चाहता नहीं क्योंकि मैंने एक बार इस सिटी से पंगे लिए थे और ये काफ़ी भारी लॉस में चली गई थी, तो अब जो भी करना है वो सोच समझ के करना है, नहीं तो ये अपनी सिटी जो है सीधा बर्बाद हो जाएगी, और एक बार लॉस में चली गई तो फिर इससे रिकवर करना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और अभी तो रात भी हो गई है और यहाँ पर वैसे अच्छी खासी भीड़ है रात को भी। बाकी इस सिटी को बनाने में मेरी हेल्प करनी है तो कमेंट करके बताओ कि जो है इस सिटी में मैं क्या क्या लगाऊं, मतलब पहले स्कूल्स लगाऊं, अम्यूज़मेंट पार्क लगाऊं, या फिर कोई और आइडिया है सिटी को बड़ा बनाने का, तो वो कमेंट करके बताओ और उस आइडिया को फिर ट्राई करेंगे, और हो सकता है कि अपनी सिटी काफ़ी प्रॉफिटेबल और काफ़ी बड़ी बन जाए। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man. I still